हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यहाँ पर FSSAI फसाई के अंदर वैकेंसीज निकल चुकी हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि किसमें आती है, भारत सरकार के अधीन। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल चुकी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो आइए नज़र डालते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले इसकी जो लास्ट डेट है उस पर नज़र डालते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन की हुई है 7/11, जो कि एक्सटेंड हो चुकी है 12/11 तक। तो आपके पास वापस एक मौका है, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो बिल्कुल भर लीजिए। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पोस्ट कोड गिवन है, नेम ऑफ द पोस्ट और कैटेगराइजेशन, पे लेवल दिया हुआ है यहाँ, एज लिमिट एंड टोटल वैकेंसीज कितनी है और कैटेगरी वाइज कितनी है। जैसे फूड एनालिस्ट की बात करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा पे लेवल है 10 है, और यहाँ पर एज लिमिट हाईएस्ट रहेगी 35 एंड टोटल वैकेंसीज हैं 4, और इस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। इसी तरीके से टेक्निकल ऑफिसर हैं, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं और असिस्टेंट मैनेजर है। और साथ ही साथ आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वैकेंसी गिवन है वो टेक्निकल ऑफिसर की है 125। उसके बाद जो वैकेंसीज दी हुई हैं 37 सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी अच्छी वैकेंसीज है। अब आप देखेंगे यहाँ पर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो टोटल कितनी है, 33 है, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। यूआर के लिए 13, ओबीसी 9, एससी 6, एसटी 2 एंड ईडब्ल्यूएस 3। इसी तरीके से हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट पीए, आईटी असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। तो यदि आप 12th पास हैं तो ये वैकेंसी फ़िलअप कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट हैं तो असिस्टेंट की वैकेंसी फ़िलअप कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है सब में अलग अलग क्वालिफिकेशन की यहाँ पर डिमांड की गई है, तो आइए देखते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो जनरल और ओबीसी के लिए जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 है, लेकिन टोटल इंटीमेशन चार्जेस के साथ में ये हो जाएगी 1500। ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल से थोड़ी हाई है, लेकिन यदि आपको जॉब पाना है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप अगर ये सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो बिल्कुल आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। उसके बाद देखिए एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वुमेन एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है ही नहीं, सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस 500 रुपये। तो 500 रुपये ये रिजनेबल चार्जेस वुमेन के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं एक्स सर्विसमैन, इनके लिए ओनली 500 यहाँ पर इंटीमेशन चार्जेस के साथ टोटल फ़ीस हो जाती है 500। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी, देखिए यहाँ पर रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू सिर्फ किस में होगा, फूड एनालिस्ट के लिए, और यहाँ पर इसका अलग अलग वेटेज भी आपको गिवन है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी सब में 2 स्टेजेस एग्ज़ाम होंगे, और हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट इनमें कोई 2 स्टेज नहीं है, और आईटी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट। इसके अलावा जो पीए है उसके लिए प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग के लिए अलग से एक क्वालिफिकेशन नेचर का टेस्ट होने वाला है। यदि किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि उसकी एज जो है वो बियॉन्ड जा रही है, तो आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि एससी एसटी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर में 3 ईयर्स का है, इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी वाले जो पर्सन हैं उनके लिए 10 ईयर्स का है, एंड पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी हैं तो 15 ईयर्स है, क्योंकि 5 ये वाला ऐड हो गया है, देन प्लस ओबीसी है तो आप जान ही पा रहे हैं प्लस 3 ऐड होके 13 हो गया है। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन विडोज डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, इन सब के लिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पर रिलैक्सेशन गिवन है। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वर्क एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं, तो आप लोग डिटेल में नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी पोस्ट वाइज देख सकते हैं आपको किस पोस्ट का फिलअप करना चाहिए फॉर्म। तो यहाँ पर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट जूनियर ग्रेड फर्स्ट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट और हिंदी ट्रांसलेटर,
पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, आईटी असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की बात हो रही है, ये सारी की सारी पोस्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ जो भी आपको देखना है सारी चीज़ें देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं आप लोग, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म आराम से फिलअप कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। और आप लोगों के लिए यहाँ पर डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, तो जो लोग अभी तक फॉर्म ये फिलअप नहीं किए हैं उन्हें अपने अकॉर्डिंगली ये फॉर्म ज़रूर भर देना चाहिए। बहुत ही अच्छी इसकी सैलरी भी रहेगी, पे स्केल काफ़ी अच्छा रहता है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको जो है जॉब मिल सकती है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एनएस लर्निंग।